लखनऊ में ट्रिपल मर्डर का आरोपी ललन खान, जिसकी उम्र है 70 साल। जितनी ज्यादा उम्र उतनी ही ज्यादा बड़ी ललन खान की क्राइम हिस्ट्री है। क्राइम की दुनिया में ललन खान का नाम बेहद पुराना है और इस बात को सही साबित करती है ये तस्वीर। ये तस्वीर साल दो साल पुरानी नहीं बल्कि 39 साल पुरानी है। ये तस्वीर है 1985 की, जब ललन खान को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से मिले हथियारों को देखकर पुलिस के अधिकारी भी दंग रह गए। 1985 में तत्कालीन लखनऊ के एसपी सिटी और पूर्व यूपी डीजेपी ब्रजलाल ने ललन खान उर्फ सिराज को चौक इलाके से गिरफ्तार किया था। उस वक्त ललन खान के पास से हथियारों को ऐसा जखीरा मिला जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। तस्वीर में तत्कालीन एसपी सिटी ब्रजलाल खुद उसकी राइफल को हाथ में लेकर चेक करते नजर आ रहे हैं। अब जरा साइड में इस टेबल पर देखिए, ललन खान के पास जर्मन आर्मी की वेपन माउजर भी मिली थी। माउजर वही वेपन है जो हिटलर का डेडली वेपन हुआ करता था और वही माउजर ललन खान के पास से 1985 में बरामद की गई। इतना ही नहीं, ललन खान के पास से कई प्रतिबंधित बोर के कारतूस का जखीरा बरामद हुआ। तस्वीर में दिख रहा ये सारा माल ललन उर्फ सिराज के दुबग्गा इलाके के घर से तत्कालीन एसपी सिटी रहे ब्रजलाल ने बरामद किया था। हथियारों के मिलने के बाद ललन खान को जेल हुई, लेकिन वो फिर बाहर आया और क्राइम की दुनिया में उसका नाम बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि 18 मुकदमे होने के बावजूद ललन को 2 लाइसेंस लखनऊ जिला प्रशासन से जारी किए गए थे। हालांकि जिला प्रशासन ने जब इसके आपराधिक गतिविधियों को देखा तो लाइसेंस निरस्त किए, लेकिन ये असलाहों का शौक ही था कि ललन खान अपने लाइसेंस को हासिल करने के लिए हाईकोर्ट तक चला गया और आखिरकार एक बार फिर हाईकोर्ट के निर्देश पर ललन खान को दोनों लाइसेंस वापस मिल गए और इसी ललन खान ने अपने बेटे फराज के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 3 लोगों पर गोलियां बरसाकर मौत के घाट उतार दिया। 2 फरवरी को जमीन विवाद को लेकर लखनऊ के मलिहाबाद में 15 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या करने वाला 70 साल का ललन खान अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस बार ललन खान के पास से चेकोस्लोवाकिया की बंदूक मिली है। यूपी तक को मिली इस एक्सक्लूसिव तस्वीर से ललन खान की पावर का अंदाजा लगाइए। ललन खान छोटा मोटा गली का गुंडा नहीं बल्कि जुर्म का खिलाड़ी कहा जा रहा है। 39 साल पहले ललन खान के पास वो हथियार था जो हिटलर इस्तेमाल करता था। हथियारों के चक्कर में ही वो कई बार जेल गया, लाइसेंस तक निरस्त हुए, लेकिन बार बार उसे लाइसेंस मिलते चले गए। और हालत ये है कि 70 साल की उम्र में भी ललन खान ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।